मात्र चौथी क्लास में पढ़ता है। और मुनिगर न दत्त मनु खड़ा खड़ा देखे जाओगे क्योंकि हंग आईना लाग रहा, लेकिन पेटी के ना देखोगे तो चक्रान लाग जाएंगे। यह अदाज सारे कलाकार ने लेकर बैठे कि हंग आना लाग रहा मैं भी गा दूंगा, लेकिन जब पेटी के ना देखे ना जब पसीने आ जाए हैं तो मुनिगर से भी ज्यादा तारीफ में भाई अपने छोटे बच्चे वंश की करूंगा जो इसके स्वर में मिलकर गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात किस समय की है कि चौधरी सर छोटू राम ने 1915 के अंदर जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सबसे पहले जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 1920 में उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए उन्होंने देखा कि मजदूर और किसान का यहाँ पर कोई भी किसी तरह का मैटर नहीं है, इनकी तो अपनी तुमड़ी रपना राग है, मजदूर किसान की यहाँ कोई पूछ नहीं है। 1920 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया सर फजले हुसैन के साथ मिलकर, जो मजदूर और किसानों के हित की पार्टी थी। जब 1937 के अंदर आम चुनाव करवाए गए तो 173 सीटों में से 99 सीट अकेली यूनियनिस्ट पार्टी को मिली, जो कि चौधरी सर छोटू राम की मेहनत और जनता के विश्वास का नतीजा था। सबसे पहले विकास एवं राजस्व मंत्री बनाए गए। जब उन्होंने बचपन में कसम खाई थी पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ किया उन्होंने, और जब किसानों का कर्जा माफ का ऐलान हुआ तो अखबारों के फ्रंट पेज पे कर्जा माफी का ऐलान कर दिया जाता है। और किस तरह का माहौल बनता है एक भजन के माध्यम से कैसे क्या बताया भला। सर छोटू राम जी ने अपने मन में पक्की धार ली कि जो कर्ज है ना, कर्ज यो कर्ज बहुत बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। 1937 में सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करवाया, और जब ये कर्जा माफ करवाया जब अखबारों में खबर छपी तो कैसा माहौल था क्या बता दिया भला। सांदरवासिया 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और हमारे दादा मुंशी राम जी आजाद कवि दादा मुंशी राम जी कमेटी जांडली की तरफ से 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है।
धन्यवाद। ये जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच की तरफ से मेरे भाई 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। प्रेमी सजनों, जब ये खबर कर्जे की अखबारों में छपी तो हर गली गली में ये चर्चा चलिया, और तो और बैठका में नोरिया में जहां भी मानस बैठा करते वहां चक्कर चलिया, बोला भाई कर्जा पाड़ के फेंक दिया है। और एक जगह और या चिंता तो बडेरुआ ने थी जिन्होंने अपना घर चलाना था, लेकिन जिसके नए ब्याह हुए थे सोबारिया में, और भी जिक्र चल मर्द वीर का, बोला सुना है के अपना ब्याह टेम पर सही हो रहा है। बोला क्या थे, क्या थे के, बोला जो कर्जा था ना, जो हमने भरना था कर्जा माफ करवा दिया सर छोटू राम ने। क्या बताया भला पहली गली के अंदर, एक देश मने सुनने आया, मने नहीं कदे सुनया था, आज पहली बार सुनने जा रहा हूं। कतर, कतर देश से राव बहादुर अली रागनी प्रेमी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते, धन्यवाद है, धन्यवाद। बोड़ी पहलवान खेड़ी जट से अपनी नेक कमाई में से 10 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद भाई, तेरे लाख बराबर रही है, जो चाबी भी तेरी से गया तोड़ना पड़ेगा, पहले पौवा क्यों काट दिया था, 10 रुपया में चाबी ले हुए कोने मिल दी जा, आजा आजा तेरी तो चाबी के रखेंगे तो मारे शीशा से, आजा ले। देखा हमारे देश में से निकले हुए देश हिंदुस्तान में से निकले हुए पाकिस्तान देश से राव इमरान खान जी, राव इमरान खान 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते, पाकिस्तान तो आने लग गया इनाम भाई रहे, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो कहें भाई तेरे खाते में आप गिरवा देंगे, तू अपना मान सम्मान कर, मारे संस्कृति के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। कराची से राव हमीद हरियाणवी, वो भी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते, धन्यवाद है, धन्यवाद। कानून बना के पास करा, कानून बना के पास कराया, डरने की कोई बात नहीं, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखी उसने जात नहीं, 36 जात का बनिया मसीहा, इसमें कोई दो बात नहीं, मजदूर किसानों के हित की खातर उन चैन पड़ा चैन रात नहीं, मजदूर किसानों के हित की खातर चैन पड़ा चैन रात नहीं, अरे बैठक नोरे कली मोले बैठक नोरे कली मोले कर तातली तो बाया में Yeah.
डॉक्टर जितेंद्र जी एडीओ साहब 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय सतीश जी पहलवान साहब 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय अभिमन्यु जी प्रधान 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। प्रेमी सदनों, दूसरी बात मैं बता दिया, कर्जा माफ कर दिया, जितनी धरती गहने धरी हुई थी वो भी छटवाली। दूसरी बात में ये बता दिया भला कवि ने कैसे, वापस करती थारी जमीन वापसी का एक्ट बना के एकदम कर दिया जारी, कर्जे का कुंटा पाल दिया या पाट गई किलकारी। फिर अखबार के फरट पे जब खबर छाप दी सारी रे, पहले भी नाम दिया यहीं से खेड़ी जटरी से, और साहब सिंह जी 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय इंस्पेक्टर साहब ज्ञानेंद्र जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। और जब ये जिक्रा चल यार अखबार में या खबर पढ़ी लोगों ने, गली गली में बालक भी खुशी मनाते हंडे और खुशी में लड्डू भी बांटन लगे, कोई गाउन लग गया, कोई नाचन लग गया। और जो मेरे कैसे थे बेकार आदमी, जो सूत्रे काम में डिगड़े तोड़नी हो आग्रह, वो कमी भी काटन लगे। लेकिन जो कर्जे की, जो जमीन की जो बही थी, जो कागजात थे, वो सभी जला दिए जाते। क्या कहा तीसरी बात में, कवि जगवीर सिंह जी, जगदीश जी गुड़िया साहब, जिनकी कविताएं लखनऊ और भोपाल में प्रकाशित होती है, उनके नाम से 200 रुपए से मान सम्मान आया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आइए बहुत ही आदरणीय छोटू राम जी के सपुत्र जय भगवान जी, छोटू राम के सपुत्र जय भगवान जी 111 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद।
लाडू बटन लागे, कोई खुशी कोई दुखी जगत में न्यू गलती छाटन लागे। एक की चार बनावनी आवे न्यारे पाटन लागे, फिर बही और खाते जला दिए फिर दिल न डटने लागे रे। बही और खाते काम करने नेता को नहीं पावे, कितने हजारा मटो लिए। एक सर छोटू राम जी ऐसे नेता थे प्रेमी सजनों, जिन्होंने मजदूर और किसान के हित की अपने दिल तो सोची के भाई यो सबसे बड़ा अन्न का दाता ये किसान और ये मजदूर है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। छोटू राम जी ने उसकी तरफ ध्यान कराया प्रेमी सजनों, उनका नाम बड़े मान सम्मान से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आज ऐसा मान सम्मान पाने वाला कोई छीता छीता मानस हो है, क्या बता चौथी बात में। अरे स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा, कहानी सत्य और अहिंसा की सदा बोली अमृत बाणी। गुरु रणवीर सिंह की मेहर फिरी गया सीख रागनी कहानी। अरे जगवीर सिंह तू रहा बावड़ा या होरी दुनिया जाए, बजा दिया करो भाई।